हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। आज के कठिन दौर में जिस समय कोरोना पूरी तरह से पैर पसार चुका है एंड वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्टी टू कोप विद इट, वी आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन स्टडीइंग, हम पढ़ने में बहुत लाचार हो रहे हैं। ऐसे समय पे मीडिया, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आज मेरे चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन में हम यही जानेंगे कि किस तरह से मीडिया या संचार माध्यम शिक्षा में हमारी मदद कर रहा है, हाउ मीडिया इज हेल्पिंग इन एजुकेशन। ज्यादातर हमने दो प्रकार के मीडिया देखे हैं, माध्यम है, एक है प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम और दूसरा है अमुद्रित माध्यम या नॉन प्रिंट मीडिया। नॉन प्रिंट मीडिया को आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सारे आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रिंट और नॉन प्रिंट अगर हम बात करें मोटे तौर पर, अगर इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो नॉन प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा रियल एक्सपीरियंस या प्रत्यक्ष अनुभव भी आता है। प्रिंट मीडिया में जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो चीज छप के आती है और ये एजुकेशनल पर्पसेस, हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य है उनको पूर्ण करने के लिए किताबों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जिस प्रकार का छपा हुआ सामग्री हो, छपी हुई सामग्री हो, एनी प्रिंटेड मटेरियल इज वेरी गुड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, उसके अपने फायदे हैं। उसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में जरूर अपलोड करूंगी कि प्रिंट मीडिया क्या है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। तो प्रिंट मीडिया जो होता है वो अक्सर यूज बहुत होता है, लेकिन इस समय ऑनलाइन माध्यम बहुत यूज हो रहा है। लेकिन फिर भी जानते हैं कि प्रिंट मीडिया में दो तरीके के आपको सामग्री देखने को मिलेगी, एक है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और दूसरा है अन्य सामग्री। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या शैक्षणिक सामग्री ये ज्यादातर सेल्फ के लिए होती है, स्वयं के लिए होती है, और जो अन्य सामग्री उसमें आपके अखबार आ गए या अन्य प्रिंटेड मटेरियल जैसे अभ्यास पुस्तिका आ गई, वर्कबुक वगैरह, ये सब चीजें आती हैं। जो शैक्षणिक होती है, आप लोगों ने सुना होगा जैसे इग्नू वगैरह में प्रिंटेड मटेरियल आता है जिसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है लिखने का, एक रूपरेखा होती है, और जब वो आपके घरों में आ जाते हैं तो आप उन्हीं से पढ़ते हैं, अन्य किताबें कम ही लोग लेते हैं। तो ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन यानी कि स्वयं को पढ़ाने के लिए सामग्री होती है, छपी हुई सामग्री होती है। अन्य सामग्री में इनके अलावा जो सामग्रियां होती है छपी हुई, वो अन्य सामग्री में आती हैं। और दूसरी हमारे आती हैं ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो। ऑडियो में हमारे जैसे रेडियो वगैरह आ गए, टेप रिकॉर्डर आ गए, वीडियो में आपके आ गए जैसे कि आप मैसेजेस देखते होंगे, कोई भी पिक्चर देखते होंगे विदाउट साउंड। ऑडियो वीडियो में दोनों दृश्य भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आती हैं। तो जैसे मैंने बताया, ऑडियो में आपके आ गए रेडियो टेप रिकॉर्डर, विजुअल में आपके दृश्य में आ गए चार्ट पेपर हो गए, मानचित्र हो गए, नक्शे, मैप, इसके अलावा मॉडल हो गए, प्रतिमान हो गए, स्लाइड हो गई, फिल्म स्ट्रिप हो गए, ये सारी चीजें, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गए, एपिडायस्कोप हो गए। वहीं आपके ऑडियो विजुअल में आपके आ जाता है जैसे कि टेलीविजन है, कंप्यूटर है, वीडियो डिस्क है, वीडियो टेक्स्ट है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, वो आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मुद्रित अमुद्रित यानी कि प्रिंट नॉन प्रिंट, नॉन प्रिंट में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं, इसके अतिरिक्त हमारे रियल एक्सपीरियंस या डायरेक्ट अनुभव या प्रत्यक्ष अनुभव भी आते हैं। जैसे कि आप किसी फील्ड में गए घूमने के लिए, वहां पे आपने कुछ सीखा, कहीं भ्रमण के लिए गए, एनी एक्सकर्शन, एजुकेशनल टूर, वहां पे भी आप सीखते हैं, उन अनुभवों से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये भी नॉन प्रिंट मीडिया में इंक्लूडेड होता है। अगर हम प्रिंट सामग्री की बात करें तो इसमें हमारे आ जाते हैं न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, फिर आपके जर्नल्स, रिसर्च बुक्स, फिर इसके अतिरिक्त अभ्यास पुस्तिका, वर्क बुक वगैरह आ जाती है, रेफरेंस बुक्स आ जाती हैं, एनसाइक्लोपीडिया आ जाते हैं, शब्दकोश, डिक्शनरी वगैरह आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त आपके एटलस जिनमें नक्शे वगैरह, मानचित्र वगैरह होते हैं, किताबें आपकी, पाठ्य पुस्तकें आ जाती हैं, ये सारे PI प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री,
वो भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। इसके अतिरिक्त चार्ट, पोस्टर, डायग्राम, ये सब भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी कि कुछ में टेक्स्ट होता है, शब्द होते हैं, और कुछ में चित्र होते हैं, यानी कि चित्र से जो इलिटरेट यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी समझ पाते हैं। अब मैं जो ये आपको बताने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम दृश्य की बात करते हैं, तो दृश्य कहीं ना कहीं हम लोग इसमें प्रिंट में भी देखते हैं। दृश्य जहां पर हमको देखने को मिलता है, एटलस देखने को मिलता है, चित्र देखने, तो प्रिंट कहीं ना कहीं हमारा दृश्य भी हो जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में दृश्य इसमें भी कवर कर सकते हैं। प्रिंट माध्यम की या मुद्रित सामग्री के अपने फायदे हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत ही दिखने में अच्छे होते हैं, सामने होते हैं तो पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट करना भी बहुत आसान होता है, प्रयोग करना बहुत आसान होता है, इट इज इजी टू यूज, इट इज चीप, इजीली अवेलेबल, यू कैन कीप इट इन योर बुक शेल्फ, आप अपने अलमारी में रख सकते हैं, जब आवश्यकता हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जब मन हुआ, जब आपको जरूरत पड़ी आपने यूज कर लिया, किसी भी प्रकार के, चाहे वो दूरस्थ शिक्षा हो या स्कूली शिक्षा हो, विद्यालय में आप पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, डिस्टेंस एजुकेशन, सब में जो प्रिंट मटेरियल है वो बहुत यूज होता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा टूल है, ऐसा उपकरण है जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशनल फील्ड में बहुत यूज होता है। लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज की बात करें प्रिंट मीडिया की, तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अंतर होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, एक ही किताब से सब पढ़े ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे कोई किसी प्रकार का पृष्ठ पोषण या फीडबैक नहीं मिलता है, कई बार इंटरेस्टिंग नहीं होती है, बोरिंग हो जाता है किताबों से पढ़ना, और कई बार जो प्रिंट होता है बच्चों की समझ में भी नहीं आता है, इसलिए प्रिंट मीडिया की यहाँ पर कुछ सीमाएं होती हैं। और अगर नॉन प्रिंट मीडिया की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, उद्देश्यों को पाने में, अचीव करने में सहायता प्रदान करता है, हर एक बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है अपने हिसाब से, चाहे ऑडियो वीडियो या दोनों यूज कर सकता है, यहाँ तक कि भ्रमण से भी बहुत कुछ उसको अनुभव से सीखने को मिलता है, उसकी सोचने की क्षमता, कल्पना की क्षमता, इमेजिनेटिव पावर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, छात्र भी स्वयं जो उसको ठीक लगता है वो कर पाता है, वो अवसर मिलता है उसको, अपनी समस्याओं को सुलझा पाता है, दे कैन सॉल्व देयर डिफिकल्टीज, दे कैन गो थ्रू देयर डाउटफुल एरियाज, द टारगेट एरियाज, एंड अकॉर्डिंगली स्टडी फ्रॉम द सोर्सेज। और ये जो प्रिंट मीडिया में जो भी खामियां होती हैं, मुद्रित माध्यम में जो भी कमियां होती हैं, उनको ये पूरी करता है, उनको ये दूर करने में मदद करता है। बस इसके जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो ये है कि ये थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, और हर शिक्षक में वो काबिलियत नहीं होती, वो एक्सपर्टीज नहीं होती हर टीचर में कि वो इनको यूज कर सके। स्मार्ट क्लासेस हर टीचर कंफर्टेबल भी नहीं होता है, शायद कमी रह जाती है, तो इस वजह से जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने में, वो पूर्ण नहीं हो पाता है, समय भी कई बार नष्ट होता है, और सारे बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो इस तरह से ऑडियो वीडियो और ऑडियो विजुअल के यूज के लिए एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस चाहिए। तो आज हमने जाना कि किस तरह से प्रिंट और नॉन प्रिंट मीडिया जो है वो एजुकेशन में या शिक्षा के क्षेत्र में काम आ रहा है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।